स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ, मैंगो लड्डू। आम का सीजन खत्म होने के कगार पर है, क्यों ना हम आम के लड्डू बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लें। इसे हम एक महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। चलिए वक्त जाया किए बगैर ही हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 3 पके हुए आम लिए हैं, आप किसी भी तरह के आम ले सकते हैं, पर मैंने दशहरी आम का यूज किया है। इसे मैं अब छिलूंगी, छिलकर रफली चॉप करूंगी और चॉप कर इसे मिक्सी में पीस कर एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। ये मैंने आम का फाइन पेस्ट बना लिया है। मैंने 1.5 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है, 1/2 कटोरी चीनी ली है, 3 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दिया है। इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है कि इसका हल्का सा ही कलर चेंज होगा, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना हमें। आप देख सकती हैं इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसमें हम देसी घी डालेंगे और हल्का सा मेल्ट होने लेने देंगे इसे। मैंगो पेस्ट डालेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये थिक हो जाए। हमारा पेस्ट पक चुका है और थिक भी हो चुका है। अब मैं इसमें शुगर डालूंगी। अगर आप शुगर नहीं डालना चाहती हैं, शुगर फ्री बनाना चाहती हैं, तो आप इसे शुगर फ्री भी बना सकती हैं, पर मैंने इसमें शुगर डाली है। बस इसे भी हमने पका लेना है। घुल चुकी है, मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें ये कोकोनट पाउडर डालूंगी। इसे भी चलाते हुए हम पकाएंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। इंच में इलायची पाउडर डालूंगी, इसे भी चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लूंगी और फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू बन चुके हैं, इसे आप भी बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।